आपके लिए मैं लेकर आ गया हूँ ऑप्शन पेपर 2 पार्ट 3 इंग्लिश ऑनर्स सेक्शन ए और बी। दो तरह के सेक्शन होते हैं और दोनों में एक एक प्रश्न पूछे जाते हैं। लिटरेचर टॉपिक से सिर्फ 50 मार्क्स और जनरल टॉपिक से 50 मार्क्स। दोनों का एक एक आपको आंसर देना होता है। 1 ए से फ्रॉम ईच सेक्शन, 2 बी अटेम्प्ट आउट ऑफ सेवरल अल्टरनेटिव्स। 7 से 8 अल्टरनेटिव्स होते हैं, उसमें से एक एक दोनों में से आपको आंसर देना होता है। लगभग 300 से ज़्यादा शब्दों में 100 मार्क्स पूरे हो जाते हैं। आइए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स होते हैं। ये देखिए ऐसे किस किस शब्दों पे आते हैं। प्रदूषण हो, ग्लोबल वार्मिंग हो, स्कूल लाइफ हो, ये सब तो कॉमन ऐसे होते हैं, आपको ऐसे भी याद होना चाहिए। साइंस एडवांटेज और डिसएडवांटेज, ये भी बहुत अच्छा ऐसे का टॉपिक है। आइए आज कुछ। इंग्लिश एज ए ग्लोबल लैंग्वेज, वर्क इज ए वर्कशिप, टेलीविजन एंड इट्स इम्पॉर्टेंस, रोल ऑफ ऑनेस्टी इन द लाइफ, जेंडर सैनिटाइजेशन, द इम्पॉर्टेंस ऑफ मास्क एंड वैक्सीनेशन, द टीचर यू लाइक मोस्ट, डेली रूटीन करके भी एक आता है ऐसे। फिर से नेचुरल इन्वायरमेंट, डेमोक्रेसी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाइमेट चेंज, ये सारे टॉपिक जो है हमेशा ऐसे में पूछे जाते हैं। तो इनका रिवीजन आप अच्छे तरीके से कर लें। और एग्रीकल्चर, ये भी, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीए पार्ट 3 इंग्लिश ऑनर्स वाले बंदे को ही पूछे जाते हैं। ये इंडिया में जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं जिसमें डिस्क्रिप्टिव राइटिंग होता है, उसमें ये सारे टॉपिक्स अवेलेबल होते हैं और आपको इसका आंसर देके अच्छा मार्क्स प्राप्त हो सकता है। और कुछ लिटरेचर सेक्शन से होता है ऐसे। द यूनिवर्सिटी वीड्स, द शेक्सपियरियन ट्रेजेडी, रोमांटिसिज्म एंड क्लासिज्म, द विक्टोरियन पोएट्री, द अगस्तियन पोएट्स, लिटरेचर इज द मिरर ऑफ सोसाइटी, द हिस्टोरिकल नॉवल्स, पोएट्री इज द क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ। ये सारे जो प्रश्न है, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी हो, पटना हो, रांची हो, लखनऊ हो, दिल्ली हो, इंग्लिश ऑनर्स वाले बच्चों से ये प्रश्न पूछे ही पूछे जाते हैं। विलियम शेक्सपियर, फेमस इंग्लिश राइटर्स विलियम शेक्सपियर हैं, चार्ल्स डिकेंस हैं, जॉफ्री ऑसर हैं, जेनी एस्टन हैं, जॉर्ज ऑरवेल हैं, जॉर्ज इलियट हैं, जे आर एल टॉल्किन हैं, थॉमस हार्डी हैं, जे के रॉलिंग हैं, जॉन किट्स है, अगाथा क्रिस्टी है, वर्जीनिया उल्फ है, सी एस लेविस है, चार्लोटी ब्रॉन्टी है, रूडयार्ड किपलिंग है, जेम्स जोसी है, अरुंधति रॉय है, सलमान रुश्दी हो, आर्थर कोनन डॉयल, रोल्ड द हल हो, विलियम ब्लैक हो, क्रिस्टोफर मर्लोई हो। तो ये सारे प्रश्न आपके ऐसे सेक्शन में आ सकते हैं, पटना यूनिवर्सिटी हो, दिल्ली हो, रांची हो, लेकिन यही प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। तो तैयारी जम के करें। और ऐसे का तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले बंदे जो होते हैं या फिर ऑफिशियल जॉब वाले, उनको ऐसे का हमेशा दिन प्रतिदिन प्रैक्टिस करना चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रांग होता है।